दोस्तों ये है ZN टोटल। आज के वीडियो में हम इसी ZN टोटल सिरप के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी, जैसे ZN टोटल सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है, ZN टोटल सिरप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, ZN टोटल सिरप डॉक्टर बच्चे को कब और क्यों देने की सलाह देते हैं, ZN टोटल देने के फ़ायदे क्या क्या है, और ZN टोटल सिरप देने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, ZN टोटल सिरप एक मेडिकेटेड सिरप है और इसे बच्चों को देने से पहले अपने डॉक्टर से आपको सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। मैं यहां आपको सिर्फ जानकारी देने के मकसद से ही वीडियो बना रहा हूं। मैं अपनी वीडियो में कोई भी दवा लेने की सलाह नहीं देता हूं, कोई भी दवा सजेस्ट नहीं करता हूं। इसलिए अगर आप ऐसी दवा अपने बच्चे को देते हैं तो ये आपका या आपके डॉक्टर का निर्णय होगा। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज आमिर एंड यू वॉचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिंस। दोस्तों ZN टोटल सिरप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस ZN टोटल सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है। जैसा कि इसके पैक में लिखा हुआ है कि ये एक जिंक सिरप है। इंग्रेडिएंट के रूप में जिंक ग्लूकोनेट इसमें मौजूद है। दोस्तों मैंने कई सारे मल्टीविटामिन टैबलेट और सिरप के रिव्यू में जिंक के बारे में बता चुका हूँ। मैं हर दवा और सप्लीमेंट का एक एक इंग्रेडिएंट और कंपोजिशन के बारे में आपको बताता रहता हूँ। इन्हीं मिनरल में से एक है ये जिंक, जिसे ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। जिंक एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में कई सारे वाइटल रोल प्ले करता है। जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है। तो आइए जानते हैं जिंक हमारे शरीर में किस तरह का रोल निभाता है, क्या करता है जिंक हमारे शरीर के लिए। दोस्तों जिंक दूसरा ऐसा मिनरल है जो शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयरन के बाद जिंक शरीर में सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है और अपना काम करता रहता है। जिंक हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सही रखने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में मदद करता है, जिंक इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट और फंक्शन में भी मदद करता है, साथ ही साथ जिंक स्किन को हेल्दी रखने का भी काम करता है, प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है और डीएनए सिंथेसिस में भी मदद करता है। जिंक बॉडी ग्रोथ में भी मदद करता है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी मिनरल है। साथ ही साथ जिंक सेल्स को डिवाइड करने का काम करता है, जिस से हमारे शरीर के डेवलपमेंट में मदद मिलती है। जब हम कोई स्वाद महसूस करते हैं, स्मेल करते हैं या सेंस करते हैं तो इसमें भी जिंक की जरूरत पड़ती है। मतलब जिंक की कमी हमारे टेस्ट, हमारे स्मेल और सेंस करने की एबिलिटी पर भी असर डाल सकता है। इसलिए जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जिंक के फायदे के बारे में जानें तो जिंक हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही खास होता है। ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, इम्यून सेल्स के निर्माण में, इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। जिंक सिरप या जिंक सप्लीमेंट डॉक्टर बच्चे को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कभी कभी कमज़ोर हो जाती है। बच्चा अगर बीमार रहता है या बच्चे को लूज मोशन हो रहा है या बच्चे को डायरिया हो रहा है, और खासकर बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होने पर ही डॉक्टर ऐसी दवाइयां सजेस्ट करते हैं जिसमें जिंक मौजूद होता है, और लूज मोशन होने पर भी जिंक दिया जाता है ताकि बच्चे को अंदर से कमजोरी महसूस ना हो सके और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। जिंक पार्टिकुलर इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, और यही वजह है कि पेट के इन्फेक्शन में भी डॉक्टर जिंक लेने की सलाह देते हैं या बच्चे को जिंक देने की सलाह देते हैं। जिंक इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का काम करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है या बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में मदद किया जा सकता है। जिंक एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। जिंक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, जिससे एक्ने ट्रीटमेंट का इलाज भी किया जा सकता है। इसलिए कभी कभी डॉक्टर बच्चे के अलावा बड़ों को भी जिंक लेने की सलाह देते हैं, और यही वजह है कि जिंक सिरप के अलावा बच्चों का जो सिरप है ये ZN टोटल सिरप है। इसके अलावा जिंक का टैबलेट भी मौजूद है, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जैसे जिंकोलाइफ टैबलेट या एस्ट्राजिन टैबलेट, इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। इसलिए बच्चों के अलावा बड़ों को भी जिंक दिया जा सकता है, और ये ZN टोटल सिरप बच्चों को दी जाने वाली दवा है। अब आइए बात करते हैं कि जिंक की कमी होने पर हमारे शरीर में क्या क्या
सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, जिंक की कमी होने पर अक्सर बच्चे को डायरिया या लूज मोशन होने जैसी समस्या होती है। इसके अलावा इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बच्चे को कमज़ोरी महसूस होती है, बच्चे का वज़न कम होने लगता है, कभी कभी बालों का झड़ना या बालों का पतला होने जैसी समस्या होती है, या स्किन का ड्राई हो जाना, भूख ना लगना, या फिर मूड का डिस्टर्ब होना, चिड़चिड़ा मूड होना। बच्चे को अक्सर चिड़चिड़ा मूड होने पर भी डॉक्टर जिंक सिरप देने की सलाह देते हैं। इसके अलावा वुंड हीलिंग जो नहीं हो पा रहा है, बच्चे का जख्म जल्दी नहीं भर रहा है, तो ये भी जिंक की कमी के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं, अगर हम अपने बच्चे को ज़ेडिन टोटल सिरप देते हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, ज़ेडिन टोटल सिरप देने पर बच्चे को कभी कभी पेट में दर्द होना, पेट में ऐठन होना, सर में दर्द होना, भूख ना लगना, या कभी कभी लूज मोशन या डायरिया होने जैसी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप ज़ेडिन टोटल सिरप देते हैं और इस तरह का कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत ज़ेडिन टोटल सिरप देना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, ये तो था ज़ेडिन टोटल सिरप के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।